ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपके जीवन में कोई सी भी परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके कोई काम नहीं बन पा रहे या आप किसी ग्रह की महादशा से उलझे हुए हैं, अर्थात राहु की महादशा, अर्थात शनि की महादशा, शनि की 7.5 ढैया, या जीवन में हमारे कोई भी अभी तक हमें ऐसी सफलता नहीं मिली कि जो योग्यता है हमारे पास, लेकिन उस हिसाब से हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें घटित नहीं हुई है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा अचूक मंत्र साझा करने वाला हूँ, कुछ ऐसा तरीका आपको साथ साझा करने वाला हूँ जिससे कि आप ये जितनी सारी जो परेशानियाँ हैं, इन सभी परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल में बहुत स्वागत, आपका बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको आपसे जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और दूसरा है कि कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, भोलेनाथ का कोई एक नाम जो आपका मन हो ज़रूर लिखें। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप वर्तमान किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है, लेकिन एक सकारात्मक चर्चा, एक सकारात्मक रास्ता आपको वहाँ से मिल सकता है। जब कभी भी इस तरह की उलझने हो तब हमें किन मंत्रों का प्रयोग करना है? देखिए, होता है कुछ चीज़ें मैं मंत्र तक पहुँचूँ उससे पहले कुछ चीज़ें आपको सही करने की बहुत हद तक ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि हम जब चीज़ें अच्छी नहीं होती तो बहुत नेगेटिव हो जाते, चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम बहुत नकारात्मक हो जाते। तो सबसे पहले इस मंत्र के प्रयोग करने से पहले अपनी नकारात्मकता को ख़त्म करना होगा, और उसका सीधा सा तरीका ये है कि जो भी काम आपने लिया है उससे उतनी अपेक्षा ना रखें, क्योंकि जितनी आप अपेक्षा रखेंगे उतना नेगेटिव होंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप दिमाग में सोच रहे हैं वैसी नहीं होगी और फिर बहुत सी चीज़ें गलत हो जाएगी। दूसरा तरीका है, दूसरी जो बात है कि लोगों की बातों में ना आए, लोगों से खुद की तुलना करके चीज़ों को कभी ऑब्जर्व ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मंत्र मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, सबसे पहला मंत्र है, आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। तो सबसे पहला महामंत्र है हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना, 7 दिनों के भीतर भीतर या 1 दिनों के भीतर, जितने भी कम समय में आप कर पाए खुद संकल्प ले और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा है अपना गुरु मंत्र, नहीं है तो ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र माने।